हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के थर्ड शिफ्ट के हुए कुछ 10 टॉप जीके के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं 6 अगस्त के हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको जितने भी क्वेश्चन है ये नोट डाउन कर लेना है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। और सबसे पहले बात ये बता दूँ कि एकदम रिसेंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, करेंट अफेयर्स के। तो जैसे कि आज का फर्स्ट का क्वेश्चन था कि सेंट्रल बैंक का सीईओ कौन है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक का सीईओ कौन है, तो तपन राय जी है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर से, जैसे कि आपको पता है कि कल ही इसके बारे में मुद्दा और हर किसी को पता है, अगर किसी को नहीं भी पता होगा तो उसको पता होगा कि जम्मू कश्मीर से कौन सा धारा हटा दिया गया है, या पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर से कौन सा धारा संबंधित है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर अब राज्य ना होकर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है और लद्दाख उससे अलग हो गया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में अब 29 राज्य ना होकर 28 राज्य हो गए हैं और केंद्र शासित प्रदेश 9 है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक के सीईओ एंड एमडी कौन है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के सीईओ एंड एमडी है अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कजरी लोकगीत है वो किस राज्य का है, तो कजरी लोकगीत उत्तर प्रदेश राज्य का है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि देखिए जम्मू कश्मीर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राउफ नृत्य कहाँ का है, तो राउफ नृत्य जम्मू एंड कश्मीर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉट ऑफ बुक पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है, तो बी आर अंबेडकर है थॉट ऑफ बुक पाकिस्तान के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में मुगल एम्पायर कौन था, तो आदिल शाह जफर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है, तो वेरी इजी क्वेश्चन है, ये जिम्नास्टिक से संबंधित है दीपा कर्माकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। ठीक है, देखिए कुछ टिपिकल क्वेश्चन आया कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है असहयोग आंदोलन की कब शुरुआत हुई थी, लेकिन इस बार के एग्जाम में पूछा गया है असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और इसका आंसर जरूर बताइएगा, वैसे मैं अगले वीडियो में बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 में किसको दिया गया, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 में विराट कोहली एंड मीराबाई चानू को दिया गया था। तो ये थे थर्ड शिफ्ट के 10 टॉप जीके क्वेश्चन, और भी जीके के क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगी। अगर ऐसे ही आप एसएससी एमटीएस का एग्जाम एनालिसिस चाहते हो तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और सबसे पहली बात कि आप जितने भी क्वेश्चन हैं अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड सी यू अगेन।